किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, नंबर वन। और वो कृपाल का ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर एस्टैब्लिश हो रहा है कि उन्होंने उसको बनाया, और अभी तो मुझे ये भी जानकारी आ रही है कि अभी जो जजेज हैं इस बेंच में, ये सभी जो हैं जज साहब, वकील जी, एडवोकेट जी, ये दोनों सभी क्लासमेट्स हैं, सभी क्लासमेट्स हैं लॉ कॉलेज के, ये भी चर्चा चल रही है। तो ये भी इसपे मैं ना इसपे बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उस मामले के मेरे पास प्रूफ्स नहीं है, चर्चा चल रही है। अच्छा कोई बात नहीं, ये चर्चा है तो इसको हम खारिज कर देते हैं, ये चर्चा की बात है, हमारे पास कोई उसका हमने कोई तहकीकात नहीं किया, मेरे पास कोई उसका एविडेंस नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो कृपाल साहब हैं जो कि प्ली कर रहे हैं, आपका ये कहना है कि उनका कोई जर्मनी में या किसी अन्य देश में उनका पार्टनर है और वो खुद जो है वो गे हैं और वो इसीलिए इसको आगे कर रहे हैं। तो मैं अगर जस्टिस हमारे एक गे की प्ली को सुनते हैं तो क्या आपत्ति है? हाँ, यस यस, बहुत सही बात कही हमने। हमने कहा कि गे की प्ली नहीं सुनना चाहिए, सौरभ कृपाल को पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। प्रॉब्लम यह है कि सौरभ कृपाल का केस जस्टिस चंद्रचूड़ नहीं सुन सकते, उस केस से जस्टिस चंद्रचूड़ को हट जाना चाहिए क्योंकि उनके जो पर्सनल रिलेशन है, जो सौरभ कृपाल के जो पिताजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीएन कृपाल थे जिन्होंने इनको एलिवेट किया, अब ये उसको एलिवेट कर रहे हैं और उसके लिए केंद्र से झगड़ा कर रहे हैं, तो ये एक्स फैसी क्लियर रिलेशन है। और जजेस इथिक्स कोड क्लियर कहता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड एडवोकेट, कोई नोन पर्सन, अननोन पर्सन, जो भी व्यक्ति तुम्हारे, उसके केस में से तुमने हट जाना चाहिए, यू हैव टू रिक्यूज फ्रॉम द केस। क्या इसके पहले भी बाप बेटा, बेटा बेटी, बेटा भतीजा, भतीजा बेटा बाप, इस टाइप का तो सुप्रीम कोर्ट में शायद प्रेसिडेंट है? ये भी मैं पूरे इसे नहीं कह रहा हूं, ये आप ही प्रकाश डालेंगे, ये कोई नया केस तो नहीं है, इस तरह का प्रेसिडेंट रहा है? किसी का बाप जज है, उसके दोस्त का बेटा वकालत कर रहा है, वो उसको कर रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं, वकालत कर सकते हैं, उस जज के कोर्ट में नहीं कर सकते। अरे वो तो वो बेसिक प्रोहिबिटेड कैटेगरी है, तो आप उस कंप्लेंट में जजेस एथिक्स कोड दिया है, उसके केस लॉज दिए, फॉर एग्जांपल, और उसमें तो ये कहा है आप तो रिलेटिव छोड़ो, कोई भी ब्लड रिलेटिव वाला है उसके केस सुनने के लिए बैन है। आप अगर आपको जजेस एथिक्स कोड अगर देखना है ना, तो आपको मैं एग्जैक्ट उस कंप्लेंट का पेज नंबर बताता हूँ, पेज नंबर है 25.8.4 पैरा, उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि उस रूल है उसका कि वो नहीं सुन सकते। और एक बताता हूं, 8.4 यहां से देखिए स्टार्ट हो रहा है, अभी नेक्स्ट पेज लीजिए, नेक्स्ट पेज लीजिए, हाँ देखिए, क्लोज एसोसिएशन विद इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द बार, पर्टिकुलरली दोज हु प्रैक्टिस इन द सेम कोर्ट शैल बी एक्सक्लूड, नॉट परमिसिबल। आगे, ए जज शैल नॉट हियर एंड डिसाइड ए मैटर इन विच ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अ क्लोज रिलेशन और ए फ्रेंड इज कंसर्न। ये मनाही है सुप्रीम कोर्ट के ही लॉ के तहत। और एक बताता हूँ, आज तक ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें आपका रिलेटिव है और वो व्यक्ति हाजिर होने का जज ने रिक्यूज नहीं किया हो, सबने रिक्यूज किया है, रिलेटिव हो या क्लोज हो। अच्छा, तो आप एथिक्स कोड को मान लीजिए, अब मैं आपके इसी केस के मेरिट पर चर्चा कर लेता हूं कि भाई ये केस अगर माननीय महामहिम के पास ये चला गया है तो वो अब इसका आगे क्या हो सकता है, क्या राष्ट्रपति इसकी अनुमति दे सकते हैं? तो फिर इसी चीफ जस्टिस को एक बेंच तैयार करना पड़ेगा जिसमें इस केस की सुनवाई होगी कि माननीय चीफ जस्टिस जी अपने को इस केस से अलग कर लें और उसकी सुनवाई के लिए कोई अलग बेंच होगा क्या? आपने बहुत बहुत ही अच्छा पॉइंट पूछा है, ये लॉ में मतलब ये बहुत अलग सिचुएशन आ गया है, लेकिन इसके कुछ प्रेसिडेंट है। अवॉइड, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, ये कि आपको केस सही समझ गया है। इसमें देखिए दो टाइप का लॉ है, एक रहता है कि जनरल रिक्यूजल एप्लीकेशन होता है, उसी कोर्ट में लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि जनरल ऑब्जेक्शन है किसी को कि साहब एक्चुअली आप भूल गए थे कि ये क्लाइंट की तरफ से आप पहले अपीयर हुए थे और जज बनने से पहले, तो आप अभी गए तो फिर जज बोलेंगे हाँ यस यस नॉट बिफोर मी,
आप गौर करोगे कि अमित शाह जी जो है अपने होम मिनिस्टर, इनके मैटर को जस्टिस उदय ललित साहब बोलते थे मेरे सामने मत रखना। क्यों? कि जब ललित साहब वकील थे उस समय अमित शाह जी के केस वो लड़ते थे, तो उन्होंने कोई भी अपने कोर्ट में उनका केस नहीं लिया। तो ये होता है। और कभी जज भूल गया तो अपोजिट पार्टी याद दिलाती है, तो वो जो रेक्यूजर है वो रेक्यूजर की सुनवाई उसी जज के पास होती है। लेकिन आपने दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा है कि लेकिन ये जज का सीरियस मिसकंडक्ट है, तो वो सीरियस मिसकंडक्ट में वो जज के कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। उसका लॉ है नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, खुद के केस में कोई खुद जज नहीं हो सकता है। तो अभी नॉर्मली क्या होता है कि हाईकोर्ट का अगर जज है उसने सुना नहीं, रेक्यूज नहीं किया, तो मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट फिर बोलता है नहीं नहीं नीचे हाईकोर्ट जज का गलत था, रेक्यूज करना चाहिए था, और मैटर उठा के दूसरे जज को ट्रांसफर करता है। जैसा कि अभी का जस्ट अभिषेक बैनर्जी का जस्टिस चंद्रचूड़ ने खुद ऑर्डर दिया, इसके पहले पी के घोष का भी ऐसा ही जजमेंट है। अब मामला फंस गया है कि सुप्रीम कोर्ट में, अब इनसे बड़ा कोर्ट कहां है? तो ऐसे कंडीशन में दो सिचुएशन है। एक,